शायद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या चौधरी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे गणपति डेकोरेशंस का मकर कैसे बना सकते हैं और वो भी कार्डबोर्ड से। इसको बनाने के लिए आपको स्पार्कल पेपर, ग्लू गन, स्केल, कटर एंड सीजर, कुछ मालाएं, मार्कर पेन, ये सब लगेगा। गणपति मकर बनाने के लिए आपको पहले कार्डबोर्ड पर ऐसे डिजाइन को ड्रॉ कर लेना है। मैंने इस कार्डबोर्ड पर पहले से ही डिजाइन को ड्रॉ कर लिया है। मैं ये डिज़ाइन फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरीके से सभी डिज़ाइंस को ड्रॉ कर लेना है ऐसे ही। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके ही बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। और ये डिज़ाइन अब मैंने ड्रॉ कर लिया है, आप भी ऐसा ही करो। अब हम स्केल से अंदर की लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे एक एक करके। अब आपको ऊपर से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे से ड्रॉ करना है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो फास्ट मोड पर लगा दिया है। अब ये डिज़ाइन रेडी है। अब हमें इस डिज़ाइन को एक एक करके कटर से कट कर लेना है। पहले आप इसे ऐसे टाइप से कट कर ले। इस तरीके से कार्डबोर्ड को कट करने के बाद आपको थोड़ा आसान होगा कट करने में डिज़ाइन को। तो फ्रेंड्स, मैंने इस डिज़ाइन को कट कर लिया है अच्छे तरीके से। जो बीच में लगा हुआ है कार्डबोर्ड उसको भी अच्छे से कट कर लेना है। इस तरीके से कट करने के बाद आपको एक ग्लिटर पेपर लगेगा, डिज़ाइन वाला हो या फिर प्लेन हो, कोई भी चलेगा। अब आपको उस पेपर पर ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब हमने जो ड्रॉ किया था उसे कट कर लेना है। इस तरीके से कट कर लेना है, मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ था। उसके बाद इस ग्लिटर पेपर को कार्डबोर्ड पर चिपका देना है। मैंने इसे चिपका दिया है। अब हमें एक एक डिज़ाइन पर फेविकॉल लगाना है ब्रश से और उस पर मैं पर्पल कलर के स्पार्कल को डाल रही हूँ। अगर आपको कोई और कलर पसंद है या फिर आप कोई और कलर डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन एंड पर्पल कलर के स्पार्कल को यूज़ कर रही हूँ इस डिज़ाइन को भरने के लिए। अब मैं फिर से फेविकॉल लगा रही हूँ दूसरी डिज़ाइन को, उस पर मैं गोल्डन कलर के स्पार्कल को डालूंगी। ऐसे आपको धीरे धीरे से इस स्पार्कल को इस डिज़ाइन पर डालना है ताकि वो पर्पल कलर के डिज़ाइन पर ना गिरे। ऐसे करके आपको सभी डिज़ाइन पर ये स्पार्कल्स डालने होंगे। मैंने सभी डिज़ाइंस पर स्पार्कल डाल दिए हैं। अब मैं कार्डबोर्ड के छोटे टुकड़े पर एक शेप को ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे ही दो कार्डबोर्ड पर आपको ये डिज़ाइन को ड्रॉ करके कट कर लेना है। मैंने ये ड्रॉ करके कट कर लिया है, आपको भी ऐसे ही कट कर लेना है। अब मैं सबसे लास्ट वाली डिज़ाइन को स्पार्कल से भर रही हूँ, स्काई ब्लू कलर से। अब आप कोई भी लेस को ऐसे लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। मेरे पास ये रेड कलर की लेस थी तो मैंने यहाँ पर लगा दी है उसे। आपके पास कोई भी लेस हो आप लगा सकते हो। अब मैं सबसे लास्ट वाली डिज़ाइन को भर रही हूँ ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर के स्पार्कल से, वो मोर वाली डिज़ाइन है। अब हम ऑरेंज स्पार्कल पेपर से मोर की चोंच बना रहे हैं। मोर की चोंच बनकर रेडी है और मैंने उस पर चिपका दी है। अब मैंने ब्लू कलर के स्पार्कल पेपर से मोर बनाए हैं और मेरे पास कुछ कुंदन्स थे तो मैंने वो भी लगा दिए इस पर। अब कार्डबोर्ड पर जो बीच में खाली स्पेस है वहाँ पे हम ये माला लगाएंगे। ये माला गोल्डन एंड सिल्वर कलर में है, आप कोई भी कलर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये माला ग्लू गन के हेल्प से चिपका दी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये। अब मैं इस गणपति मकर को लेस लगाऊंगी। मेरे पास एक गोल्डन कलर की लेस है, मैं वो लगाऊंगी। इसको बहुत अच्छा लुक आएगा इससे। ये गोल्डन कलर की लेस मैं इस पर लगा रही हूँ।
आपके पास कोई भी लेस हो तो चलेगा, आपको जो भी लेस अच्छी लगे या फिर आपके पास पड़ी हुई है तो आप इस पर लगा सकते हैं, लेकिन वो लेस थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, ज़्यादा चौड़ी लेस भी नहीं लगानी है आपको, क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखेगी इस पर। इस तरह से आपको इस लेस को लगाना है। और अब हम इस मकर के मोर को रेडी करने वाले हैं। हम इसको मोरपंख से सजाएंगे। मोरपंख तो सभी के घर में पड़े हुए होते हैं। अगर आपके पास मोरपंख नहीं है तो आप मार्केट में जाकर ला सकते हैं। सबसे पहले डबल साइड टेप लगानी है आपको वहाँ पे, उसके बाद आपको एक एक करके मोरपंख लगाना है वहाँ पे। इसी सेम तरीके से आपको ऊपर वाले मोर के भी मोरपंख लगाने हैं। सबसे पहले डबल साइड टेप लेनी है, उस पर एक एक करके मोरपंख लगाने हैं। इस तरीके से मोरपंख लगाने हैं। मैंने सब मोरपंख इसको लगाकर रेडी कर लिया है। अब हमें इसे मोर के बैक साइड में लगाना है। मोर के बैक साइड में मोरपंख लगाने से पहले उस पर एक डबल साइड टेप लगाकर उसे चिपकाना है। और अब मैंने इसे चिपका दिया है और इसे ठीक कर लेना है। अब हमारा गणपति मकर रेडी है।